नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौमान और आपका स्वागत है हमारे चैनल अल्फा ज्ञान में। हर वो ज्ञान जो काम आए। इस वीडियो में हम HTML प्री टैग के बारे में जानेंगे। प्री टैग क्या है और प्री टैग को हम कहां पर यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। HTML प्री टैग, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्री टैग का। तो यहाँ पर देखिए, द प्री टैग एलिमेंट टेक्स्ट इन पैराग्राफ एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट एंड इन प्रीपेसिव बोथ स्पेस एंड लाइन ब्रेक। अगर ये टैग के अंदर आप अगर कुछ लिखिएगा, अब जैसे ही लिखिएगा वैसे ही आपको डिस्प्ले में दिखाएगा। इसका कोड देख लेते हैं। प्री टैग को यूज करने के लिए आपको सिंपली प्री टैग लिखना है और जो भी कंटेंट आपको लिखना है उसके अंदर डाल दीजिए और उसका डिस्प्ले वैसा ही आएगा जैसा आप वहाँ पर लिखे हैं। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा HTML प्री टैग। अब यहाँ पर एक प्री टैग का यूज किया है और उसके बाद ये स्पेस है। अब यहाँ पर फिर से प्री टैग को क्लोज किए तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, इतना स्पेस ले लिया इसने और उसके बाद ये शुरू हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये अंदर जा रहा है, ये का लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम पैराग्राफ में लिखते, मान लीजिए यहाँ पर प्री टैग नहीं सिर्फ पैराग्राफ लिखते हैं, तो अब क्या होगा? और हमारा कोई भी स्पेस नहीं लेगा और ऐसा नॉर्मल हमारा टेक्स्ट आएगा। तो ये डिफरेंट है प्री टैग में और पैराग्राफ टैग में। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये रहा हमारा प्री टैग और वो था हमारा पैराग्राफ टैग। अब यहाँ पर हम मान लीजिए एक और पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और इसके अंदर सिर्फ पी रखते हैं, इसके अंदर सिर्फ पी रखते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक हेडिंग भी ले लेते हैं हम, मान लीजिए S2 लेते हैं और लिखते हैं दिस इज प्री टैग एग्जाम्पल। अब देखिए, ये हमारा पैराग्राफ है जो नॉर्मल दिख रहा है और ये हमारा प्री टैग का एग्जाम्पल है जो इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है लेकिन प्री टैग में स्पेस है। क्यों स्पेस है? क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए ये स्पेस लिया है, इसलिए स्पेस है। अब इसे स्पेस को हटा दिए, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ से हम इंटर करते हैं और इसे सेव करते हैं, हमको वैसा ही दिखेगा, सेम टू सेम वैसा ही दिखेगा। देखिए, अब यहाँ पर हम फिर पैराग्राफ में इंटर करते हैं और सेव करते हैं तो हमको पैराग्राफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे 10 बार इंटर करिए या 20 बार इंटर करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, लेकिन अगर आप प्री टैग में इंटर जितना बार करेगा उतना बार उसमें इंटर ले लेगा वो। ये है प्री टैग का मतलब। मतलब ये हुआ कि आप अपना कोड में जैसा ही लिखिएगा, इसे समझिए आप ध्यान से, इसके अंदर आप जैसा कोड टाइप करिएगा वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। मतलब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू किए हैं तो यहाँ से दिखा रहा है। अब यहाँ पर इतना बार इंटर कर दिए तो उतना शब्द यहाँ पर लाइन दिखा रहा है हमको। यहाँ देखिए, लाइन दिखा रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ लिखना हो जिसमें आपको ज़्यादा इंटर करना है, आप जैसा लिखना चाहते हो वैसा आप, अगर आपको डिस्प्ले कराना हो तो आप प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्री टैग का वेब डेवलपमेंट में यूज़ नहीं होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।